हे गाइस, दिस इज कुलदीप एंड यू वाचिंग यूपीएससी लाइब्रेरी। सो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफएटीएफ लिस्ट के बारे में, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बिकॉज रिसेंटली पाकिस्तान ने अपनी कंट्री में 88 न्यू टेररिस्ट को बैन किया है, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। सो इस पाकिस्तान के इस मूव को इंडिया के मीडिया हाउस एफएटीएफ से लिंक कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने प्रेशर में आकर ये 88 बैन किए हैं ताकि वो एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने से बच सके। सो इस लेक्चर में जानेंगे कि एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या होती है। सो अगर आप यूपीएससी लाइब्रेरी को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सो इन अटेम्प्ट टू ड्रॉप बाई दी ड्रॉप फ्रॉम द फाइनेंशियल टास्क फोर्स, पाकिस्तान बैन 88 न्यू टेररिस्ट को बैन किया, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट से लिए गए। उसमें दिए गए हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन ने बैन किए हैं। सो इस बैन में हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम भी है। सो दाऊद इब्राहिम का इसमें रेसिडेंस है, जो कि कराची में है, उसमें ये लिस्टेड है। सो पाकिस्तान में जो एफएटीएफ है, वो पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है, जो जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है। सो उसने बोला है कि इस्लामाबाद से बोला कि पाकिस्तान विल इम्प्लीमेंट ए प्लान एक्शन बाय द एंड ऑफ 2019। सो पाकिस्तान को बोला कि 2019 तक वो ऐसा प्लान इम्प्लीमेंट करे ताकि वो उन पर कुछ एक्शन ले सकें। बट कोरोना वायरस की वजह से इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडमिक। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? सो एफएटीएफ जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1989 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द G7, मतलब G7 के इनिशिएटिव से एफएटीएफ को इस्टेब्लिश किया गया। G7 क्या है? G7 सात कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट। सो इन सात कंट्रीज के ग्रुप को ही G7 बोलते हैं। सो इन्हीं सात कंट्रीज के इनिशिएटिव से ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इस्टेब्लिश किया है। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सेट स्टैंडर्ड को सेट करना है, और जो इलीगल चीज़ें हैं लाइक कॉम्पिटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये अदर थ्रेट्स हैं जो कि इंटीग्रिटी और इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम को थ्रेट पहुँचाते हैं। सो उन पर एक ऑपरेशन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है, मतलब ऑपरेशन इन मेजर लेना। सो ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये ऑब्जेक्टिव है। सो इसका जो सेक्रेटरीट है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन, जो इसको OECD बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और सो पाकिस्तान प्लेस ग्रे लिस्ट एफएटीएफ जो कि जून 2018 में ग्रे लिस्ट में है फॉर फेलिंग द कर्व ऑफ एंटी फाइनेंशियल टेरर, बिकॉज ऑफ एंटी टेरर फाइनेंसिंग उसको कर्व ना करने की वजह से। सो इसमें जानेंगे कि ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या होती है। सो एफएटीएफ ऐसी दो लिस्ट को मेंटेन करके चलता है, डिफरेंट लिस्ट है, जो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। सो ग्रे लिस्ट के अकॉर्डिंग कंट्रीज जो कि उन कंट्रीज को कंसीडर किया जाता जो कि एक सेफ हेवन है फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, उन जो कंट्रीज सेफ हेवन है उनको हेवन की तरह ट्रीट किया जाता, उनको ही ग्रे लिस्ट में डाला जाता। सो मनी लॉन्ड्रिंग सो पुट इन द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। सो दिस इंक्लूजन सर्व एज अ वार्निंग टू द कंट्री दैट इज मे एंटर द बैंड। सो ये एक तरह की वार्निंग है कि उस कंट्री के लिए अगर आपने उन चीज़ों को कर्व नहीं किया, उन पर कोई एक्शन ले गया, तो ब्लैक लिस्ट में भी उनको डाला जा सकता है। और फिर ब्लैक लिस्ट क्या होता है? सो ब्लैक लिस्ट कंट्रीज नोन एज नॉन कोऑपरेटिंग कंट्रीज, जो उनको ब्लैक लिस्ट में उन कंट्रीज को बोलते हैं जो नॉन कोऑपरेटिंग कंट्रीज हैं या टेरिटरीज हैं, मतलब सो वो ब्लैक लिस्ट में होती हैं। सो दीज कंट्री सपोर्ट, ऐसी कंट्री टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। वो मतलब ग्रे लिस्ट में तो सेफ हेवन प्रोवाइड करती हैं, यहाँ पर वो ओपनली सपोर्ट भी करती हैं। सो उसको ही ब्लैक लिस्ट बोलते हैं। सो द एफएटीएफ रिवाइज द ब्लैक लिस्ट रेगुलरली एंड एडिंग एंड डिलीटिंग सब। सो एफएटीएफ रेगुलरली इसमें इसको रिवाइज भी कर सकती है, रिवाइज करती रहती है, और उसमें कंट्रीज को भी ऐड करती रहती है। सो एज ऑफ नाउ दे आर ओनली टू कंट्रीज इन ब्लैक लिस्ट। सो अभी के लिए ब्लैक लिस्ट में सिर्फ दो ही कंट्री हैं, जबकि एक ईरान है, दूसरी नॉर्थ कोरिया है। सो एंड सेवन ऑफ ग्रे लिस्ट इंक्लूडिंग पाकिस्तान, श्रीलंका, सीरिया, यमन। सो ग्रे लिस्ट में ऐसी सात कंट्री हैं।
सो पाकिस्तान के ऊपर FATF ऑलरेडी काफ़ी टाइम से एक नज़र रखे हुए, बिकॉज पाकिस्तान हैड बीन ऑन द सेम लिस्ट 2012 टू 2015 तक। मतलब पाकिस्तान ऑलरेडी 2012 से लेकर 2015 तक ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है। सो ये डिसीजन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ब्लैंड वायोलेशन ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन टू क्रैक डाउन ऑन ग्रुप बैंड बाय सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का 1267 सेंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान ऐसे वायोलेशन को काफ़ी मतलब इग्नोर करता गया है। सो लाइक उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन लाइक तालिबान है, फिर लश्कर तावा जैसे मोहम्मद देन हक्कानी नेटवर्क, सो इन सब चीज़ों को इग्नोर करने की वजह से पाकिस्तान को ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। देन देयर लीडर्स लाइक हाफिज सईद मसूद अजहर कंटिन्यू टू होल्ड पब्लिक रैली एंड फ्रीली गाना सपोर्ट एंड डोनेशन। और पाकिस्तान में ऐसे लीडर लाइक हाफिज सईद मसूद अजहर ऐसे पाकिस्तान में कंटिन्यू ऐसी पब्लिक रैली होल्ड करते हैं पाकिस्तान और फ्रीली मूवमेंट करते हैं और फ्रीली गाना सपोर्ट एंड डोनेशन, उनको सपोर्ट भी मिलता है और डोनेशन भी मिलता है। सो इस वजह से पाकिस्तान काफ़ी टाइम से FATF की नज़र में रहता है, उनको पूरे एज ए वॉच लिस्ट में पाकिस्तान को प्लेस किया रखा है। सो दे हैव ग्रोन देयर बेसिस, सो इसके बाद वो सब पाकिस्तान में अपना बेसिस क्रिएट कर लें एंड विथ फोर्सेज लाइक हेडक्वार्टर लाइक उनके हेडक्वार्टर लाइक मुरीट के में देन भावलपुर में, सो दैट द अथॉरिटीज टर्न ए ब्लाइंड आई। सो इसकी वजह से वहाँ की जो अथॉरिटी है एज ए ब्लाइंड आई की तरह बिहेव कर रही है, उनको कुछ पता ही नहीं है। सो By doing this successive Pakistani government shown disregard for the outrage against terrorism worldwide. So इस वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो टेररिज्म है वर्ल्ड वाइड उसकी तरफ एज ए मतलब एकदम नज़र बंद करके रखा है। सो इस वजह से पाकिस्तान वॉच लिस्ट में आता है। सो इसका एक एग्जांपल है लाइक एक वन वॉलेशन बाय पाकिस्तान कोर्ट बेल्स टू जाकिर और रहमानी लखवी, एक मतलब पाकिस्तान के कोर्ट ने जाकिर और रहमान लखवी जो कि लश्कर ए तैयबा का एक ऑपरेशनल कमांडर उसको बेल प्रोवाइड किया। सो उसमें एक मेन चीज है द की प्लानर ऑफ द नवंबर जो कि 2018 मुंबई ब्लास्ट का टेरर ब्लास्ट हुआ था उसमें एक की पार्टनर था। सो अंडर द 1267 सेक्शन रूलिंग बैंड एंटिटीज कैन गेट नो फंड्स। सो जो सेक्शन है 1267 सेक्शन अकॉर्डिंग जो बैंड एंटिटीज है ना तो उसे कोई फंड मिलेगा। सो बट जो लखवी जिसको बेल प्रोवाइड की गई थी सो उसको पाकिस्तान की तरफ से रिसीव द बेल अमाउंट एंड येट द अथॉरिटीज हैव सिंस लॉस्ट दिस ट्रैक। सो पाकिस्तान की वजह से उस एंटिटीज को जो जिसको बेल प्रोवाइड की गई थी उसको बेल के लिए अमाउंट भी प्रोवाइड किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। सो इसी वजह से अथॉरिटी हैव सिंस लॉस्ट ट्रैक ऑफ हिम। सो इसी वजह से पाकिस्तान को FATF की वॉच लिस्ट में रखा गया। सो इसी वजह से पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में है और अगर ऐसी उसकी हरकतें चलती रही वो ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। सो इसकी इम्प्लीमेशन क्या हो पाकिस्तान के लिए। सो वंस प्लेस द ग्रे लिस्ट द कंट्री फेस रिस्क ऑफ डाउनग्रेड बाई मल्टीलेटरल लैंडर्स लाइक IMF वर्ल्ड बैंक ADB। सो अगर कोई भी कंट्री ग्रे लिस्ट में आती है सो उस कंट्री की इमेज डाउनग्रेड की जाएगी और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF वर्ल्ड बैंक ADB उनसे लोन लेने में प्रॉब्लम आएगी। सो इट मे इम्पीड पाकिस्तान एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट टू अट्रैक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट एट ए टाइम वैन इट्स फॉरन रिजर्व आर डाउन डिंडलिंग एंड स्टॉक डिफिसिट आर विंडिंग। सो अभी जो पाकिस्तान का जो टाइम चल रहा है जो सो ऐसे टाइम में पाकिस्तान अभी किसी भी फॉरन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी लोन नहीं ले सकता, इसी वजह से पाकिस्तान मोस्टली चाइना से ही अपना लोन ले रहा है। सो बिकॉज और बाकी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड नहीं कर रही बिकॉज ऑफ ग्रे लिस्ट। सो पाकिस्तान मोस्टली चाइना से ही अपना लोन ले रहा है। एंड इफ़ इस्लामाबाद विल नॉट कम्प्लाई विद द ऑब्लिगेशन देन द कंट्री रन द रिस्क ऑफ बींग इंक्लूडेड टू द ब्लैक लिस्ट ऑफ द FATF एंड करंटली फीचर ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। सो अगर पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट की जो भी इम्प्लीकेशन की वजह से उनको अकॉर्डिंग नहीं चल रहेगा तो पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे ब्लैक लिस्ट में अंदर डाल दिया जाएगा। सो ये चीज़ें पाकिस्तान को थोड़ा देखने चलेगी। बट इसमें एक पॉइंट है कि विद द चाइना इन द प्रेसिडेंट चेयर एंड द बैकिंग ऑफ टर्की एंड मलेशिया, जो पाकिस्तान को चाइना प्लस टर्की एंड मलेशिया की बैकिंग में लिए सो पाकिस्तान कुड एस्केप बीइंग ब्लैक लिस्टेड इन एनी केसेस। सो पाकिस्तान कुड बी एस्केप बीइंग ब्लैक लिस्ट, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जो अंदर जाने से वो मे बी एस्केप मतलब बाहर निकल सकता है बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ टर्की एंड मलेशिया और चाइना जो कि प्रेसिडेंट चेयर पर है।
सो इस चीज़ को इंडिया के परस्पेक्टिव में देखा जाए तो वाइल सो देखा जाए तो वाइल पाकिस्तान प्रोग्रेस विल कम एज ए डिसअपॉइंटमेंट टू इंडिया, जो कि पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है या जो भी वो अभी कुछ कर रहा है वो इंडिया को इंडिया के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है, बिकॉज इंडिया वांट्स मोर स्क्रूटनी ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट टू टेरर ग्रुप, जो कि पाकिस्तान का सपोर्ट है जो टेरर ग्रुप के लिए उसके लिए, और इंडिया चाहता है कि और स्क्रूटनी हो पाकिस्तान के ऐसे रोल के लिए ग्रुप लेस एंड इस्लामाबाद फील्स because Islamabad feels it had been let off the hook, there are few points to consider. मतलब पाकिस्तान के कुछ ऐसे पॉइंट के जो अच्छे काम किए गए हैं जो टेरर फंडिंग लें, सो उन चीज़ को पॉइंट को ना देखा जाए बिकॉज इन छोटे मोटे पॉइंट की वजह से पाकिस्तान को हम ब्लैक लिस्ट से नहीं बचा सकते. सो इसलिए इसी वजह से इंडिया वांट्स मोर स्क्रूटनी ऑफ पाकिस्तान रोल एंड द ग्रे लिस्ट इज नॉट न्यूज, और जो भी ग्रे लिस्ट है पाकिस्तान के बिकॉज वो नई नहीं है, बिकॉज इससे पहले पाकिस्तान प्लेड इट्स 2012 में पाकिस्तान को ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में डाला गया था एंड वाज रिमूव्ड इन 2015, और 2015 में उसको ब्लैक ग्रे लिस्ट से हटा दिया बिकॉज इट पास ए नेशनल एक्शन प्लान टू डील विद टेररिज्म. बिकॉज 2014 में पाकिस्तान में पेशावर स्कूल मैसेकर जो हुआ था, सो उसके बाद से पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान टू डील विद टेररिज्म अलाउ पास किया था. सो इस वजह से 2015 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया. सो एंड इट वाज प्लेस अंडर द सेवियर रिस्ट्रिक्शन इन द ईयर 2008 से लेकर 2012 तक, वैसे भी और रिस्ट्रिक्शन डाली गई 2008 से लेकर 2022 आफ्टर द मुंबई अटैक. सो ये सब चीज़ों को हमें माइंड करके चलना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचाना है. सो अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना है तो ये सारी चीज़ों ये सब पॉइंट को याद रखना पड़ेगा कि बिकॉज पाकिस्तान के लिस्ट के लिए कोई भी नया कंट्री नहीं है, और जो पाकिस्तान के जो मूव चल रहा है वो सिर्फ ब्लैक लिस्ट से बचने लेके चल रहा है ना, बिकॉज एंड पाकिस्तान की कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो टेररिज्म पर अपना मूव चल सके, बिकॉज पाकिस्तान अभी भी टेररिज्म और टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन है और वो ऐसे फंडिंग भी प्रोवाइड करता है. सो अगर आपने यूपीएससी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूपीएससी लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. धन्यवाद.